पिशावर वाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्द कौम के अज़्म को मजबूत नहीं कर सकते, किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पनपने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडो कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा तमाम कमांडर्स इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज रखें। पिशावर पुलिस लाइंस मस्जिद खुदकुश धमाके में शहादतों की तादाद 100 हो गई। 53 जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज, 7 की हालत तश्वीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सानहा पिशावर पर मुल्क भर में फिजा सोगवार। खैबर पख्तूनख्वा में सोग, कौमी परचम सिरने गो। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, सियासी अक़वामे मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। पिशावर धमाके पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ ज़र्बे आज़म ऑपरेशन जैसा इत्तेफाक की राय पैदा करना होगा। आज ही खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मौजम जान ने पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके में सिक्योरिटी खामी का एतराफ़ कर लिया, कहा हमलावर मेहमान के रूप में दाखिल हुआ, धमाका खेज मवाद एक साथ नहीं आया, एक माह के सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जल्द जेआईटी में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मुल्क के लिए सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानी देते हैं। कल बहुत बड़ा सानहा हुआ और कौमी असम्बली में गपशप चल रही है। नूर आलम खान ऐवान में फट पड़े। सानहा पेशावर पर नूर आलम खान की तरह हर पाकिस्तानी गमजदा है। वजीर दाखला राना सनाउल्ला का जवाब, कहा ये जंग मिलकर लड़ना होगी। कोहाट के तांडा डैम में कश्ती डूबने के बाद पाक फौज का मुसलसल 72 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक 5 तुलबा को बचा लिया गया। गौताखोरों ने 51 तुलबा को असाजा की लाश निकाल ली। एक लापता शख्स की तलाश जारी। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुजाकरात का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत ने आईएमएफ मिशन को तमाम शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। 7,470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। आईएमएफ की बड़ी शर्त, पेट्रोलियम लेवी के मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा करने की भी फरमाइश। पेट्रोल और डीजल के बाद एलपीजी की कीमत में तारीखी इजाफा। 1 किलो पर 60 रुपए बढ़ गए। नई कीमत 263.95 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 703 रुपए महंगा होकर 3,114 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद की अदालत का तोशा खाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्माइद करने का फैसला। ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में तोसी। आइंदा पेशी पर बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में हाजिरी लाजमी करार। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरीज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मनासले लिख दिए। दोनों सूबों में इंतजामी और पुलिस अफसरान को तब्दील करने की हिदायत।